पीएनबी बैंक घोटाले में इस वक्त तकरीबन 20 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। ईडी और सीबीआई कल से ही ये सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं और इस वक्त काला घोड़ा में नीरव मोदी का शोरूम है उसके बाहर हम लोग मौजूद हैं। कल से ईडी के ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं और अभी तक सर्च चालू है। कई डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं, कई दुकानों को सील किया गया है, लेकिन अभी तक ये ईडी और एजेंसियों का कहना है कि जो कोर डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस जो उनके काम आएंगे कोर्ट में इस केस को प्रूफ करने के लिए, उनकी तफ्तीश शुरू है। डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है और कई जगहों पर जो दुकानें थी उनसे भी कई तरह के एविडेंस यहां पर बरामद किए गए हैं। बताते हैं आपको कि नीरव मोदी और उनके परिवार वालों के ऊपर ये सीबीआई का एफआईआर है, सबके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। अब देखना ये होगा कि वो लोग कहां पकड़े जाते हैं और कैसे जो पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं जिनका इस स्कैम में एक महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।